हाय एवरीवन, दिस इज फुरकान एंड यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, राइट नाउ मैं आया हूँ एक पर्सनल बिल्डिंग में। थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है इसके लिए, आपको बिल्डिंग का नाम वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा। माशाल्लाह भाई का शौक बताएंगे आज आपको वीडियो में, माशाल्लाह आते। तो मैं यहाँ पे आया हूँ इकलास भाई के साथ। मेरे साथ लाल गुम, माशाल्लाह भाई नायाब शौक करवा रहे हो यार। इकलास भाई, अरे माशाल्लाह, किसके बकरे ये? हमारे भाई है नौमान भाई। नौमान भाई, हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह बकरे जो नायाब है उनका शौक भी बड़ा नायाब है। नहीं माशाल्लाह, मैंने देखा ना उनकी सोच है ना, काफ़ी बहुत अच्छी हाई फाई सोच है। मैं अभी ऑफ कैमरा भी देखा बहुत कुछ। ऑफ कैमरा उन्होंने पानी उबला हुआ पिला है। भाई वो अभी छोटी सी आपको बात बोल रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाहिए, बाकी वो मेरे को मना किया भाई, ये होना नहीं किसी बात, सिर्फ वो भी चीज़ अल्लाह के लिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, वो आदमी को उसके ऑफिस के अंदर पानी पीना होता ना, तो दो मिनट के भाई दो में होल्ड करो पानी पी लो। वो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपना 5 से 8 दिन काम छोड़ के, लोग कहते हैं ना शौक बड़ी चीज है, वो तो खाली अपनी दुकान जमाने के लिए। मैं बोलता हूँ शौक बड़ी चीज ये है, आदमी अपना ऑफिस छोड़ के 8 दिन के अंदर अभी छोड़ के कुर्बानी तक बकरों को टाइम दे रहा है। हम लोग पूरे साल करते ना, वो 8 दिन में कैसे लग गए? नहीं नहीं सही बात है, काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहे हो एक्चुअली। माशाल्लाह इतने बड़े बकरे रखने के बाद उन लोग टाइम दे रहे, बहुत बड़ी बात है। अरे लोग बोलते हैं शौक बड़ी चीज़ है, और वो लोग ही बोलते हैं फिर कैसा है, थोड़ा स्टेटस रखने के लिए बोलते हैं शौक बड़ी चीज़ है, लेकिन उन्होंने इतने बड़े बकरे कभी तैयार भी नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है भाई, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका फर्स्ट टाइम आप आए फुरकान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह इससे कई बड़ी बड़ी नायाब चीज़ इंशाल्लाह चली गई है। ऑफ कैमरा तो बहुत कुछ होता है, इंशाल्लाह आते टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इनसे बड़ी बड़ी फिल्म की नायाब चीज़ें अल्लाह ताला उनकी जिंदगी दे इंशाल्लाह। माशाल्लाह वो कैसे मालूम है, मैं नौमन भाई से ऑफ कैमरा भी बात कर रहा था, छोटे से लेकर बड़े तक पालते हो बराबर, ऐसा ही नहीं बड़ा खरीदते फिर बाद में बड़ा तक करते। मैं देखा उनको उनके आगे साल के भी स्टेप बाय स्टेप, हाँ स्टेप बाय स्टेप। अच्छा बाजार से लाके दिखा दिए कर दिए भाई, मुसलसल मतलब अपने कारोबार बिजनेस में टाइम देना, और एक उसे बोलते हैं शौक बड़ी चीज़ शौक छोड़ के बिजनेस छोड़ के हर 4-6 महीने में उज्जैन आना, जयपुर जाना। हमारे नाजिम भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो हमको निकाल के देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फिल्म का बकरा पालने के लिए वही निकाल के देते हैं। अरे माशाल्लाह भाई, और इकलास भाई आप बेसिकली उज्जैन के हो, सही बात है। माशाल्लाह वहाँ के लोग भी ना भाई, मेहमान नवाजी में किसी से कम नहीं। मैं गया था, मैं पर्सनली गया था वसीम भाई के इधर और साजिद पहलवान भाई के इधर। तो एक काम करते हैं, बातें तो होती रहेंगी, लोगों को माशाल्लाह शौक दिखा। ठीक है भाई, देखो इंशाल्लाह ये छोटा बकरा दिखा रहे ना, ये भाई छोटा बकरा है अल्हम्दुलिल्लाह गुजरी, छोटा बकरा मतलब इंडिया का सबसे बड़ा बकरा गुजरी है 46 हाइट पे। क्या गलत बोला? बराबर भाई, एकदम बराबर 46 हाइट पे, वो तो फ्रेम में भी नहीं आएगा माशाल्लाह भाई, बड़ा बकरा है। और मैं बता दूं, जब उस्तादी मालूम पड़ती ना तो पीछे का पाव एकदम सही रहेगा ना, उसको उस्तादी बोलते हैं। बैंड मार देना तो फिर वो कितना भी बड़ा उस्ताद बोले वो उसके नजर में रहेगा, मेरे नजर में नहीं रहेगा। बारिश हुई कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही भाई, पानी भर रहा है आधे आधे तक। कितना 165 किलो किधर नहीं गया भाई वो माशाल्लाह। बोलते ना खाली बकरा, ये बकरा की अगर मैं मेरे नजर में पोटेंशियल बोलूँ ना, ये 200 पार का बकरा है। असल में क्या भाई, ट्रेवल करके आए 700 किलोमीटर आना, उसके बाद गाड़ी के अंदर ट्रेवल भाई बहुत मसला मसाया। कितना 180 था वहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह 175 किलो था ये। हमें बता दू, भराई के बकरे 10-15 किलो रिवर्स होते, ये बड़े बकरे रहते तो इनमें बड़े लेवल का गैप आता है। नॉर्मल बकरे 6-7 किलो उतरते, ये सब में 10-15 किलो का गैप आता है। और माशाल्लाह इतना बड़ा बकरा देख सकते हो, माशाल्लाह फिट एंड फाइन है। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ इंशाल्लाह, जो बोलते हैं ना शौक बड़ी चीज है, मैं शौक बड़ी चीज दिखाता हूँ आपको अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान कपला। नहीं पहले यही बकरे पे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इलियास भाई ये कितने दांत पे है अभी? अभी ये भाई पूरा 8 दांत हो चुका है। 8 दांत हो चुका है, 46 की हाइट है, 165 किलो बराबर। माशाल्लाह पूरा बकरा जरा घुमा के दिखाएंगे ना तो और मजा आ जाएंगे लोगों को। मैंने इससे बड़े गुजरी मेरे लाइफ में नहीं देखा, नहीं 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 है भी नहीं, और इतना बड़ा कोई देखेगा भी नहीं। तो इंशाल्लाह, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो माशाल्लाह नौमन भाई ने इतने कितने 7 दिन के लिए कितना खर्चा किए, नीचे ये सब ले पार्किंग लॉट में से सारे गाड़ियाँ भी हटा दिए, बहुत ज़बरदस्त। और इतना कब से ये खड़ा था बकरा, आप भी नहीं रहे? आधा घंटा हो गया, आप में भराई कर रहे थे माशाल्लाह, तभी देख रहा था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो माशाल्लाह, ये इंडिया का सबसे बड़ा गुजरी है और इनका छोटा बकरा है ये, आप समझ सकते हो इनका लेवल क्या है बकरे पालने का। माशाल्लाह बकरा खुद से भी खा रहा था, मैं तो अभी खुद से ही खाते देखा उसको अभी तक के, और बकरा माशाल्लाह फुल फिट एंड फाइन है, इसको बोलते हैं उस्तादी माशाल्लाह। अभी इलाज भाई दूसरे बकरे देखो, देखो आप पाकिस्तानी कपला, अरे माशाल्लाह
नहीं माशाल्लाह भाई बहुत खूबसूरत बकरा है। नौमान भाई शो के भाई वो नौमान भाई ने मेरे को अंडुल दिखाए थे। हाँ अंडू था लेकिन भाई ने इसको कहीं से परचेस करे और फिर इसको मेरे को फोन करे कि भाई मैं तुमको वो नया चीज दूंगा। मेरे को पता ही नहीं भाई भाई ने कहा जी नया चीज दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह कि इंडिया में किसी के पास नहीं बल्कि अपने पास रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। बाकी शुक्र अल्लाह के लिए। नहीं नहीं माशाल्लाह मेन क्या है मालूम है ये जब अंडुल पे था ना मेरे को इतना उसका वीडियो बताए थे इतना गेटअप नहीं था ये जब बकरा खसी हुआ है ना माशाल्लाह दुगना गेटअप आया चमक बहुत अलग आई है इसकी माशाल्लाह। कितने टाइम से ये अपने पास क्या वेट पे आया था? 60 किलो का भाई। हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने अपने पास रहा ये 1 महीने घसी रहा अल्हम्दुलिल्लाह अभी 130 किलो उसका वेट है। नहीं आराम से 135 लग रहा है मेरे को मेरे अंदाज से बता रहा हूँ बहुत नायाब है उसको ज़्यादा चला के बताएंगे ना। अब मैं बता दूँ ये सब जो आपने पीना है वो शायद से किधर मिलते भी नहीं है ये भाई ने स्पेशली बनवाया है। अच्छा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए पाकिस्तानी बैटर ने पूरा। नहीं नहीं उनको भी बहुत माशाल्लाह शौक है और बहुत काफ़ी हाई लेवल की थिंकिंग रखते हो एक बोलते ना अच्छी सोच रखना बहुत बड़ी बात है बकरेबाजी में। नहीं तो आए दिन वो एक दिन टांग खींचता है ना वही चालू है उधर भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई का बहुत उनसे अगर कोई पर्सनली मिलेगा ना वो तो आएंगे ना कैमरे में कोई पहचानने का भी नहीं लगता है वो तो क्या है असल में क्या आते भी नहीं और उनको इन चीजों को लिया जा रहा है वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं जो भी कर अल्लाह के लिए कर रहा है बता रहा हूँ ये तो प्रोग्राम में आपको हमने फोन किया मैंने फोन करा कि भाई इस बार नहीं नहीं माशाल्लाह बनानी चाहिए और ये इतने बड़े बकरे कोई शो भी नहीं करता जल्दी और ये कितने टाइम से था नौमान आप अपने पास भाई ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने दिया था इसको 140 पे लिया था अल्हम्दुलिल्लाह 100 कुछ किलो था भाई इसका 165 170 वो भी मतलब बोलते ना इसकी तैयारी अभी भी बहुत बाकी है ये तो खाली है पर हमारे भाई की सोच है मैं आपको बताता हूँ भाई शायद आप कई हजारों जगह गए लेकिन आपको किसी ने ये बात नहीं बोली मैं बोलता हूँ हमारे भाई कहते हैं 200 किलो बकरा नहीं चाहिए अपनों को 250 भी नहीं चाहिए अपनों को 20 किलो कम वजन चाहिए बकरा भागना चाहिए चलना चाहिए उसकी जान से अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अगला बकरा मिसाल खड़ा कर देगा बहुत बड़ा बकरा है भाई बहुत बड़ा बकरा अल्हम्दुलिल्लाह अभी बॉम्बे के अंदर का हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा बकरा पंजाबी का बकरा पंजाबी मैंने भी नहीं देखा और वाकई में नहीं रहेगा दिखा देते ना इंशाल्लाह। अरे माँ कसम जबरदस्त बकरा उसको रुक जाओ ना थोड़ा ऐसी लेने दो ना पहले ऐसी पब्लिक को देखने दो माशाल्लाह बहुत नायाब बकरा है ये खाली बकरा है अभी भी इसका पोटेंशियल अगर मेरे साइड से पूछोगे तो 230 किलो प्लस का बकरा है ना इलाज भाई क्या बोलते हैं इसे 230 किलो आराम से ना 230 किलो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लेकिन वो नहीं चाहते नहीं है भाई हमारे चाहते कि बकरा एक्टिव होना चाहिए वो भले कितना वेट से मतलब नहीं उनको चलना चाहिए मैं बता रहा हूं लोग कितने शौक बड़ी चीज है वो शौक सिर्फ अपनी दुकान के लिए शौक ये शौक होता है कि उसकी जान से खेलना चाहे आप बकरा उठा दो उसको अभी खुद से उठता है खुद से बैठता है अरे माशाल्लाह उसने कुर्सी भी गिरा दिया तीन तीन कुर्सी गिरा रहे माँ कस तो मोबाइल में भी नहीं आएगा देखा जाए तो माशाल्लाह ये बकरा ऐसा बकरा है कि इसने मेरे को छोटा कर दिया नहीं तो अक्सर मेरे को बकरे कोई छोटा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी माशाल्लाह हाइट 6 फीट के ऊपर की ये बकरा देखोगे ना तो कोई बोलेगा नहीं भराई का बकरा है क्योंकि इसमें इतनी तैयारी फुल नहीं आई है ये बकरा सेल्फ फीडिंग पे मैंने अभी खाते हुए देखा हूँ लेकिन है भराई का बकरा है ये क्लियरली मैं बता दूँ बहुत ज़बरदस्त बकरा है यार। इलियास भाई अगर आपको एक बुरा ना मानो एक सवाल पूछता हूँ ये बकरे आज के तारीख में आपके नज़र में क्या मार्केट वैल्यू रखते हैं? भाई ने अगर मैं बता दूँगा ना तो भाई का बड़ा झगड़ा हो जाएगा। अच्छा नहीं लेकिन नहीं नहीं मैं एक ऐसा पूछता हूँ कि मैं बकरा मंडी में ये बकरे मिलेंगे भी नहीं सही बात है ना नहीं मिलना 40 कितना इसका दिखा मेजर टेप है अपने पास दिखा देंगे ना कोई टेप में 48 इंच का मेरे शायद से पहली बार ऐसा कोई वीडियो पे लाइव दिखा रहा रहेगा वजन की तो जरूरत ही नहीं है वजन वो भले 200 भी बोले 180 भी बोले वैसे भी तो कुर्बानी का बकरा ही हम लोग को शो नहीं करना है कि हमने सबसे बड़ा बकरा तैयार किया करके ये बस लोगों को शौक बढ़ना चाहिए कि बड़े बकरे उनको वैसे भी मैं ऑफ कैमरा पूछा ना वो बोलते मेरे को ऐसा वेट का मसला नहीं है ना मेरे को भी शो पे नहीं समझ गया मैं वो अलग आदमी है उनका अलग है सोच ही अलग है वो बोलते मेरे को खाली भी बकरा चलेगा मेरा बकरा चलना चाहिए आज देखो ना यार इतने पाव दिख के बोलेगा यार इधर के इधर तक बकरे ना बैंड मार देते अक्सर बकरे सब बैंड मार देते ये जो समझता है ना ये जो एक्सपीरियंस वाला है ना उसको ही मालूम पड़ता है कि पीछे के पाव क्या चीज़ है अगर इसने 250 किलो मारा ना तो पीछे के पाव बैंड मार देंगे नौमान भाई लेकिन यार इलियास भाई लेकिन यार
एंड बकरा है, एंड ये बकरा देखने के बाद सब बकरे की हाइट आदमी भूल जाता है। इधर थोड़ा घुमा दो ना उसको, छुप जाता है चेहरा उसका। माशाल्लाह भाई, बॉम्बे में इतने बड़े बकरे शायद से ही हो सकते हैं किसके पास। अनस भाई भी लाते हैं हमारे, लेकिन हाइट नहीं, हाइट की बात करते हैं भाई। नहीं नहीं बहुत ज़बरदस्त, 200 नहीं नहीं वो सब नहीं, वो कॉम्पिटिशन रखते भी नहीं हो भाई, अल्लाह का शुक्र। अच्छा तो इलियास भाई, मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, ये बकरे मतलब आप चलाते हो कैसे? माशाल्लाह आप तो भाई, वो भी आपके तारीफ कर रहे थे कि ये आप भी पूरा काम का छोड़ के ये लोग के साथ। और मैं एक बात बता दूँ, इलियास भाई बताएंगे नहीं बताएंगे, इन्होंने भी वही पानी पिया जो बकरे पी रहे थे, मैंने खुद मेरे आंखों से देखा, अभी गर्म पानी पी रहे थे। इलियास भाई मेरे को सुबह से लेके आपकी जरा डाइट बता देंगे ना तो लोगों को भी अच्छा रहेगा। असल में क्या भाई, सुबह सुबह जो है ना मॉर्निंग में पूरे टाइम, सबसे पहले तो बकरे को हम लोग चेक करते हैं कि बुखार में तो नहीं है, खिलाने से पहले उसको चेक करते हैं बुखार वगैरह तो नहीं है, ठीक है। उसका बकरा उठा लेते हैं पूरा, उठाने के बाद अपना बकरे को उसका जो डाइट है चना खिलाते ना, नहीं तो फिर लोगों के ऐसा खाली बस बोलने तक रहता है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, इतना बड़ा बकरा है माशाल्लाह, उसको चने के लिए उसके लिए मतलब नॉर्मल नाश्ता है। अच्छा अच्छा क्यों मालूम है इलियास भाई, आजकल आपको भी मालूम रहेगा यार, भराई पे बकरे तो सब ले लेते हैं, लेकिन खाली मीटर चालू रहता है, बकरा चालू नहीं रहता है। असल में क्या हकीकत बात है, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ भाई, हकीकत बहुत बढ़िया बात पूछी आपने, बात जो पूछी ना बहुत बढ़िया पूछी। किसी भी चीज को अगर दिल से करेंगे ना भाई तो इतना खिलाएंगे ना तो इतना देखेंगे। नहीं मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, बाजू के मुल्क में 300 किलो उतना चालू, अपने 200 तक भी मुश्किल से पहुंच रहे, अपने को भी मतलब थोड़ा प्रोग्रेस चाहिए। लेकिन सही बात, सही बात नहीं, अभी अभी एक देखा जाए मेरे नज़र से तो ये बकरा अल्हम्दुलिल्लाह 230 की कैपेसिटी रखता है, लेकिन अलग अलग सोच है। मैं आपको बता रहा हूँ हमारे भाई की बहुत सोच, तो अलग नमान भाई की, उन्होंने एक ही बात बोली भाई, 20 किलो कम हो बकरा एक्टिव होना चाहिए। सही बात है यार, आप देख रहे हो शायद आपने अभी बता दो, जब आप आए थे आधे घंटे पहले तो ये बकरा हम लोग आधे घंटे में खड़ा हुआ ही था। हाँ। आप आपके फ्रेंड को उसकी वीडियो दिखा रहे थे भाई, आप भी शॉर्ट रखा देखे, इतना बड़ा बोले पंजाबी देखा नहीं, वो लोग भी देखते नहीं, खड़ा हुआ अभी भी वो लोग भी मिस कर रहे, बोलते बारिश में बिक के आ जाएंगे बकरा देखने के लिए, खाली बता दो, लेकिन कैसे कॉन्फिडेंशियल रहती है कुछ बातें, इसके लिए अपन खाली बस वीडियो तक ही रखते, खुद से ये सब कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या है। चले मैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे को, तो हिस्ट्री में पहली बार हो जाएगा, मेजर टेप कम पड़ जाएंगी मेरे को लग रहा है। नहीं कम हो जाएंगी उसके ऊपर हाई 45। ये तो हम लोग बेचने भी नहीं है कुछ नहीं, खाली बस एक शौक के लिए बता रहे कि हम लोग जीनियनिटी। हाँ ये देखो 49.5 50 इंच पकड़ लो, वैसे भी देना तो नहीं है, ठीक है भाई। वो तो 48 बोल रहे थे ना, बोलती है अपन तो नाप के दिखा दिए। मैं तो वैसे भी यार, तो ऐसे बकरे ढूंढने का फिर मिलते, ये सब आप लोग के लिए लेंगे, फिर नॉर्मल पब्लिक के लिए कहाँ मिलेगा ऐसा बकरा? पब्लिक को मिलेगा, असल में तो होता है कि अच्छी चीज महंगी होती है, बात समझ ना अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वाली बात है भाई, लोग फिर बोलते हैं सो बड़े से, अभी आपने भाई से बात कर ली ना तो आप समझ लो क्या क्या होता है। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मैं बोलता हूँ नवाबी शो, नहीं नहीं भाई बहुत, मैं बता रहा हूँ उनको कितना अल्लाह ताला किसी को चूज करता है खाली अच्छी चीज के लिए, बाकी सारे फैसले। अरे माशाल्लाह जब पानी पिला दिए, मैं भी खुद एक्वागार्ड का पानी पिलाता हूँ, लेकिन ऐसे लोग हैं ना कोई बताता नहीं है, उन्होंने बता दिया कि मेरे गर्म पानी चाहिए, अभी भी भाप आ रही रहेंगी, मैंने गर्म पानी पिला है मतलब, ताकि उसमें इन्फेक्शन वगैरह कुछ होना, इतना सोच रहे माशाल्लाह, तो इससे बड़ी बात क्या है। उसके बाद भी 8-7 भी मेरे पास आए थे भाई, क्या हुआ बच्चों ने खाया कि नहीं खाया भाई, क्या चल रहा है भाई, किसको पानी दिया किसको दूध दिया किसको क्या दिया, अल्हम्दुलिल्लाह
हम लोग पूरा साल करते हैं, 8 दिन में अलमुला पूरा जान देते हैं। अच्छा, लेकिन वो हर साल आपके पास ही रखते क्या ऐसा? अलमुला अपने पास है। नहीं क्यों मालूम है, अभी देखो कितने 8 दिन की थी, उसमें भी माशाल्लाह इतना खर्चा कर रहे, इससे बड़ी बात नहीं है। और कुछ है अपने पास बताने के लिए? एक बहुत नया चीज है अल्हम्दुलिल्लाह, बता दो ना यार, इतना 15 मिनट हो गए बताए नहीं। इंशाल्लाह अगले साल के लिए भाई ने उसको अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आपने बरबरा देखा है वो, इंशाल्लाह पंजाबी बरबरा दिखाऊंगा। नहीं वो मैंने फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में देखा, ओरिजिनल कुछ बरबरा है। आ जाएगा इसमें से? इसमें से नीचे से आएगा क्या, ऊपर से साइड से आएगा? फ्रेंड्स आप देख सकते हो माशाल्लाह बकरा कब से खड़े, लेकिन हाफ नहीं रहे इलियास भाई, आपकी माशाल्लाह तैयारी भी सूट हो गई उनको। ये 2 बकरे भी लाए थे क्या? ये बच्चे भाई, उनकी बकरी के बच्चे। अच्छा, बेचने लाए थे। अरे माशाल्लाह भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज है। वाइट आइज में ना, देखिए भाई वाइट आइज में कितना ये बहुत नायाब चीज है। 60-65 किलो रहेगा? नहीं बकरा में भी कम है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी अल्लाह जिंदगी। वो यही होता है एक्चुअली, मैंने बड़ा बकरा देखने वाला, सब छोटे बकरे का ना सब हिसाब गड़बड़ हो जाती है मेरी। असल में क्या ये ना बहुत नायाब चीज है बकरा भाई, आपने बरबर है बहुत, ये पंजाबी बरबर है माशाल्लाह। मैं तो पहले बैंटम ही बोल दिया था। ये नोमान भाई का शौक है। हां नोमान भाई का शौक बता रहा हूं आपको, ये शौक है। ये वापस जाएगा ना? ये वापस इंशाल्लाह पलेगा। और ये शौक है भाई। अच्छा बोला शौक बड़ी चीज है, बोलते नोमान भाई का शौक है माशाल्लाह, जबरदस्त शौक। अल्लाह इसकी जिंदगी दे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आमीन। मेरे को लगता है अगले साल भी नोमान भाई रुका देंगे इसकी तैयारी देख के ना, भरोसा नहीं इतना जबरदस्त है। जबरदस्त है। और इलाज में कुछ बताना चाहेंगे? और बस भाई ये चीज़ें इंशाल्लाह आते कल अल्लाह चाहेगा तुम्हें बहुत नया नया चीज़ें इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। अभी आपकी एंट्री हो गई है, हालांकि भाई नाराज है मेरे से कि भाई तुमको मैंने मना किया था, पर भाई पता तो चलना चाहिए, लोग कहते हैं शौक बड़ी चीज़ है भाई, शौक क्या होता है हम बताते तुम्हें, ये भाई का शौक है। ये सब जो आपने एसेसरीज पहनाई है कहाँ मिलती है भाई? असल में क्या हमारे घर में हमने बनाई। अच्छा क्या है ये बकरे को अगर नहीं पिनाए ना उतना ही अच्छा दिख रहा है, ये सब वो सब खुद ही बता देते। हाँ ये सब बकरे तो थोड़ा सूट करते, बस अपने गले में भी नहीं डाले ना, बहुत माशाल्लाह तैयारी इसकी अच्छी थी, थोड़ा घुमा के दिखा देंगे ना और मजा आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, माशाल्लाह आप कुर्बानी के बकरे देख सकते हो, सिंग सिंगार भी देखो, ये नॉट फॉर सेल बकरे, नायाब बकरा है, डाल लो इसके अंदर अभी ठीक है। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बकरा किंगडम, और बाजू के दिए बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियोस डालूं मैं आपको पहले मिल सके। प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।